वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगेन ड्यू टू द करंट सिचुएशन आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या है और इनमें क्या फर्क है एटम और एलिमेंट क्या है और इसमें क्या फर्क है और जो सिंबल से पहले नुमैरिक वैल्यू कोई लिखी होती है सिंबल के बाद लिखी होती है उन दोनों में क्या फर्क है ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करेंगे पहले देख लेते हैं जी केमिस्ट्री क्या है सो इट डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर मैटर क्या है जी कोई भी वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर अब उस मैटर की हमने चार चीजें डिस्कस करनी है कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस किस चीज़ से वो बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इनका डिफरेंस क्या है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है किस किस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री में लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल जिस तरह से वाटर है तो वाटर की कंपोजिशन किस तरह की है इट इज कम्पोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है स्ट्रक्चर कैसा है किस तरह से उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है क्या बॉन्ड लेंथ है क्या बॉन्ड एंगल बनता है क्यों बनता है ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में आ जाएंगी देन प्रॉपर्टीज हैं इसकी इसकी कलर कैसी है स्मेल कैसी है ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज और ये किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है ठीक है सो so, इस तरह से हम मैटर को डिस्कस करते हैं इन केमिस्ट्री एटम क्या है जी फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है एंड इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है न्यूक्लियस में दो चीजें हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जबकि न्यूक्लियस के बाहर शल्स होते, होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स so, मौजूद होते हैं सो प्रोटॉन्स जो हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज ठीक है जी सो so, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है एटम ओवरऑल न्यूट्रल है सो so, इसकी क्या वजह है न्यूट्रल क्यों है न्यूट्रल तब भी कोई चीज़ होती है जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं या तो वो न्यूट्रल है उस पर कोई चार्ज ही नहीं है या फिर अगर उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव बराबर है तो फिर वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा सो so, एटम में भी इसी तरह से याद रखना है आप लोगों ने कि नंबर ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन बराबर है प्रोटोन पर अभी हमने बड़ा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो so, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो आंसर जीरो आता है जिस तरह से आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा प्लस सिक्स माइनस सिक्स इसवल्स टू जीरो इट right? सो so, इसी तरह से एटम में जब पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स बराबर हो जाएंगे तो उस वक्त एटम पर ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा एक और चीज याद रखिएगा कि एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम एटम का अटोमिक uh, नंबर uh, कहते हैं उसको हम एटोमिक नंबर क्यों कहते हैं ये असल में हमारे एटम की आइडेंटिफिकेशन है अगर प्रोटॉन नंबर बदल गया तो हमारा एटम बदल जाएगा इसका मतलब ये है कि अगर एक एटम में छे प्रोटॉन है और दूसरे एटम में सात हैं तो जो छह वाला है वो कार्बन होगा सात वाला नाइट्रोजन होगा ठीक है सो so अगर प्रोटोन नंबर बदल जाएंगे तो हमारा एटम ही बदल जाएगा इसी वजह से इस नंबर को हम यूज करते हैं एज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एटम एग्जाम्पल देख लेते हैं जी कार्बन की ही अटोमिक नंबर इसका सिक्स है अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटोन सो प्रोटोन नंबर जो मौजूद है कार्बन में वो सिक्स है और स्ट्रक्चर uh, देख लेते हैं इसका इसमें अगर आप इसको काउंट करो तो जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर सिक्स हैं और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो तो वो भी सिक्स ही हैं सो so, अगर प्रोटॉन भी सिक्स हैं यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स भी सिक्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी सिक्स हैं यानी नेगेटिव पार्टिकल्स भी सिक्स हैं तो प्लस सिक्स और माइनस सिक्स हमारा जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा राइट right? सो so, हमें पता चल गया कि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है उसकी सिंपल सी वजह है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स बराबर होंगे नेक्स्ट देख लेते हैं एलिमेंट क्या है एलिमेंट इज कम्पोज ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एलिमेंट यू कैन से अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ठीक है कलेक्शन ऑफ कार्बन एलिमेंट यानी बहुत सारे कार्बन एटम्स है तो उसको हम कार्बन एलिमेंट का नाम दे सकते हैं बहुत सारे नाइट्रोजन एलिमेंट नाइट्रोजन एटम्स है तो उसको हम नाइट्रोजन एलिमेंट का नाम दे सकते हैं जिस तरह से यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं हीलियम नीओन पोटाशियम अलमानियम सो फिर फर्क क्या है एटम और एलिमेंट में अगर आप इसमें स्टिल कन्फ्यूज हो तो अगली एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा यहां पर आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन एटम एक तरफ और दूसरी तरफ हाइड्रोजन एलिमेंट सो हाइड्रोजन एलिमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स की कलेक्शन है याद रखिएगा नॉट केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं लेकिन वो एटम्स हाइड्रोजन के ही होंगे पहली बात और दूसरी बात ये कि वो केमिकली बॉन्डेड कभी भी नहीं होंगे एलिमेंट में एटम्स के दरमियान केमिकल कम्बिनेशन नहीं है इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है ये आयरन का एक एटम है जिसमें दरम्या में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, है न्यूट्रॉन प्रेजेंट है बाहर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये आपके पास एक आयरन पीस है इस आयरन पीस में ये जो आयरन पीस है इसको आप आयरन एलिमेंट इसको आप आयरन का एलिमेंट कह सकते हो अब आयरन का एलिमेंट क्यों कह रहे हो आप इसको बिकॉज इट इज एक्चुअली कंपोज ऑफ आयरन एटम्स बहुत सारे आयरन एटम्स की कलेक्शन को आप आयरन का एलिमेंट कहोगे Right? So, और एलिमेंट में फर्क हुआ कि सिंपली कंपोज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दरमियान में कलेक्शन नॉट केमिकली बॉन्डेड उसको हम कह सकते हैं एलिमेंट शर्त यह है एलिमेंट में वो उसी अगर हम आयरन एलिमेंट की बात करें आयरन एटम की बात कर रहे हैं तो आयरन एलिमेंट में आयरन के ही एटम्स होंगे और दूसरी शर्त यह है कि वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे नेक्स्ट जी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या है याद रखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है केमिकली बॉन्डेड ठीक है जी अगर वो केमिकली बॉन्डेड है केमिकली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि यहां तो उनके दरम्यान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हुआ हुआ है यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हुआ है तो उसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड बनेगा दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं होमो एटम्स एंड हेट्रो एटम्स राइट जी तो so, जो दोज आर कम्पोज ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम्स जिसमें सेम टाइप सेम टाइप ऑफ आइटम होंगे जिस तरह से, से यहाँ पर हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरह के आइटम्स अगर सेम तरह के आइटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देंगे होमो अटोमिक मॉलिक्यूल और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उसको हम नाम देंगे हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का कंपाउंड जो है वो कम्बिनेशन ऑफ आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स याद रखिएगा मॉलिक्यूल कैन भी होमोटोमिक और बट कंपाउंड इज हेट्रोटोमिक क्या है जी कंपाउंड हेट्रोटोमिक है ठीक है यानी वो मॉलिक्यूल्स जो हेट्रोटोमिक हैं उनको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर आपके पास अमोनिया है और वाटर है दीज आर एक्चुअली हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर कंपाउंड एज वेल एज मॉलिक्यूल्स लेकिन अगर कोई होमोटोमिक मॉलिक्यूल है वी कॉन्ट से दैट एज कंपाउंड ओके okay जी सो so मॉलिक्यूल्स की आप कह लो कि एक जो सब टाइप है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे वो कंपाउंड है मॉलिक्यूल दो तरह के हैं होमोटॉमिक हैट्रोटॉमिक जो हैट्रोटॉमिक वाले हैं उनको हम कंपाउंड कह सकते हैं एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मजीद क्लियर हो जाएगा जिस तरह से वाटर है जी तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है हाइड्रोजन है सेम टाइप ऑफ एटम है तो इसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते ये सिर्फ मॉलिक्यूल है अमोनिया है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो ये कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है उसके बाद पी फोर यानी फॉस्फोरस ने चार आपस में फॉस्फोरस ने बॉन्ड दूसरे फॉस्फोरस तक बनाया है सो इट इज़ अगेन एज इट इज़ कम्पोज ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स सो इट कुड बी मॉलिक्यूल बट इट कैन नॉट बी अ कंपाउंड ठीक तो so, जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम है वो मॉलिक्यूल है और जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है वो मॉलिक्यूल भी, भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर नाउ आगे देख लेते हैं जी अगर सिंबल से पहले आ, कोई नारिक वैल्यू लिखी है सिंबल के बाद लिखी है दोनों में क्या फर्क है आ, सिंबल से पहले लिखी हुई है इसका मतलब है उतने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल उतने नंबर ऑफ आइनिक कंपाउंड्स हैं ठीक है जिस भी सिंबल से पहले कोई नुमेरिक वैल्यू लिखी हुई है जिस तरह से टू एज लिखा हुआ है टू एज टू लिखा हुआ है वॉटर मॉलिक्यूल टू एज टू का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल्स राइट टू एज लिखा हुआ है तो उसका मतलब है दो हाइड्रोजन एटम्स और अगर ये जिस तरह से दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और अगर एज के बाद टू लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में नीचे बेस में टू लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि दो हाइड्रोजन एटम्स में आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है ठीक है सो so, पहले टू का मतलब है कि वो हमें बताएगा पहले अगर कोई नरिक वैल्यू लिखी हुई है सिंबल से तो वो हमें बताएगी कि टोटल नंबर ऑफ कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स मौजूद हैं और अगर बाद में लिखा हुआ है तो वो हमें बताएगा कि कितने एटम्स ने केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है जिस तरह से P4 को हमने देखा तो चूंकि इसके बाद फोर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इन फॉस्फोरस ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है अगर इससे पहले लिखा हो तो उसका मतलब था कि सिंपल चार फॉस्फोरस के एटम्स हैं लेकिन P4 बाद में फोर अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि चार फॉस्फोरस के एटम्स ने आपस में केमिकली बॉन्ड बनाया हुआ है सो so, आप लोगों ने लर्न करनी है जो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है नेक्स्ट uh, चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे जी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री एंड थैंक यू